वेलकम बैक टू माय चैनल। एंजॉय वाचिंग CCC क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन समर के लिए स्पेशल ठंडा ठंडा कूल आम पन्ना। बहुत ही इजी है इसको बनाना, और जो चीज़ हम इसमें बनाने वाले हैं उसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं बताऊँगी आगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये आम पन्ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में ठंडा ठंडा आम पन्ना पीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये जो आम पन्ना आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप 3 to 4 डेज तक कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ऐसा आम पन्ना की रेसिपी जिसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, और एक बार बनाने के बाद आप उसको 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी रेसिपी अगर आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर मेरे को बताइए, जल्दी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी। और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे तो नए वीडियोज़ का मैसेज यानी कि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और आप बहुत सारे वीडियोज़ मिस कर सकते हैं। आप चैनल पर रोज़ एक वीडियो अपलोड होता है और रोज़ ही कुछ नई इंटरेस्टिंग रेसिपी अपलोड होती है, तो कुछ भी मिस ना करें। फिलहाल देखते हैं आज का वीडियो, तो फिर देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कच्ची कैरी। इसको मैंने 1 घंटे तक पानी में भिगो कर रख दिया था, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्सेस वो गर्मी होती है वो सब निकल जाए। और उसके बाद जो इसके ऊपर ब्लैक कलर का पोर्शन होता है उसको कट कर दीजिए। उसके बाद इसको एक पिलर की हेल्प से छील लीजिए। मैं आज एक ही कैरी से आम पन्ना बनाऊंगी, और एक कैरी से आप लगभग 6 से 7 ग्लास तक आम पन्ना बना सकते हैं। आमी छीलने के बाद, उसको धोने के बाद हमने इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर देना है, और हम इसको कुकर में डायरेक्टली ऐड करेंगे क्योंकि हम इसको बॉईल करने वाले हैं। जब गुटली में से सारा गूदा निकल चुका है तो इस गुटली को फेंक दीजिए, और अब इस कुकर में हम ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। आप अंदाज से पानी ऐड कर दीजिए क्योंकि अभी बाद में हमें इसका पेस्ट बनाना है। और साथ में इसके ऐड कीजिए थोड़ा सा सॉल्ट, और इसको अब हम विसल लगने के लिए रख देंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी 4 विसल्स ले लूँगी। 4 विसल्स के बाद आपको दिखाती हूँ कि आम कुछ इस टाइप से पक जाता है। जस्ट लुक एट दिस। ये कच्ची कैरी ही है जिसको हमने बॉईल किया, तो ये इस तरीके से पक गई है। और अब आप इसको एक ऐड कर दीजिए मिक्सिंग जार में, क्योंकि अभी हमें इसका बनाना है पेस्ट। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको फिंगर से प्रेस कर रही हूँ तो इजीली प्रेस हो जा रही है। इट मीन्स कि ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इतना ही आपको इसे बॉईल करना है कि ये अच्छे से प्रेस हो जाए, अगर 2 फिंगर्स के बीच में प्रेस करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना, जो इस आम पन्ना की जान है। तो पुदीना की डंडियाँ अलग कर दीजिए, पत्ते अलग कर लीजिए, और 1 कटोरी भरकर आपको इसमें डालना है पुदीना की पत्तियाँ। ये 15 से 20 पुदीना की पत्तियाँ हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। साथ में इसके ऐड करूँगी थोड़ी सी शुगर, तो 2 स्पून शुगर ऐड कर दीजिए अगर आपको खट्टा मीठा आम पन्ना पसंद है तो, नहीं तो आप शुगर स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट दे देगा। थोड़ी सी हींग ज़रूर ऐड कीजिए, एक फ्लेवर ही अलग आ जाता है जब आप हींग ऐड कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, बहुत ज़रूरी है आम पन्ना का टेस्ट डिफरेंट करने के लिए। थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए, और थोड़ा सा ड्राई जिंजर मीन्स थोड़ी सी सौंठ का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिए। वाह, जो मज़ा आएगा ना, आप विश्वास ही नहीं करेंगे, इतना बढ़िया आम पन्ना बनकर तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बस अब इसको हम चर्न कर लेते हैं। पानी इसमें ऑलरेडी था ही, क्योंकि हमने जो बॉईल किया था उसमें थोड़ा सा पानी था। अगर नहीं हो पानी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तब इसको चर्न कर लीजिए। और चर्न करने के बाद जस्ट लुक एट दिस, ये पेस्ट आपके पास रेडी हो जाता है। ये पेस्ट जो बना है इसी से हम बनाएंगे आम पन्ना। तो इस पेस्ट को सबसे पहले मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। जस्ट लुक एट दिस। वाओ, कितना परफेक्ट पेस्ट बना है। बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमको चाहिए थी, इतना परफेक्ट इसमें कलर आया है, और जो खुशबू आ रही है ना, आई कांट टेल यू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो लास्ट में इसको गार्निश कर दीजिए थोड़ी सी पुदीना की पत्तियों के साथ, और ये आपका आम पन्ना का मिक्सचर है बिल्कुल रेडी। आप इसको चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। येस, ये है इसका फर्स्ट यूज़ कि आप इसको चटनी की तरह यूज़ कर लीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। अब जो मिक्सिंग जार में थोड़ा बहुत आम पन्ना बच गया था उसको मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया और ऐड कर दिया। साथ में दूसरे ग्लास में 2 स्पून आम पन्ना का जो पेस्ट हमने बनाया है वो ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर। आप कभी भी इसमें आइस क्यूब्स ना डालें, ठंडा पानी ऐड कीजिए, क्योंकि आइस क्यूब्स डालने के बाद उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। मीन्स या तो नमक थोड़ा कम लगेगा या तो चीनी थोड़ी कम लगेगी, ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ठंडा पानी ही ऐड करें और इसको सर्व करें। क्योंकि जब आप ठंडा पानी ऐड करते हैं तो आप इसको थोड़ा टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें कुछ नमक कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है। अकॉर्डिंगली आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आम पन्ना बनकर है बिल्कुल रेडी। एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस चिलचिलाती गर्मी में ठंडा ठंडा कूल ये आम पन्ना आपको बहुत ही राहत देने वाला है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए। स्टोर करने वाला आम पन्ना की रेसिपी जाननी है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।